हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार पॉलिटेक्निक कॉम्पिटेंस क्लास में स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे जो बेसिक वीडियो बनाना था मेटल नॉन मेटल मेटलाइट पहचान करने की, तो आज उसके बारे में हम लोग बेसिक वीडियो के बारे में बात करेंगे। और सबसे पहली बार देखेंगे कि धातु की पहचान कैसे होती है, अधातु की पहचान कैसे होती है, तो आज हम इसके बारे में देखेंगे। उसके बाद से जो भी आपका टॉपिक होगा फिर से आगे बढ़ाया जाएगा। आइए हम लोग सीखते हैं आज धातु और अधातु के बारे में। इसके पहले हम लोग जानते हैं कि पहचानने की उसकी विधि क्या होगी, कैसे पहचानेंगे, उसका ट्रिक अपनाएंगे। तो हमने केमिस्ट्री के अंतर्गत दो बातें सीखी है। पहली बात क्या सीखी है कि दो हमने नियम पढ़ा था। एक नियम था बोर और बरी का, किसका नियम था बच्चों, बोर और बरी का नियम। और एक नियम किसका था बच्चों, अपवाहु का। एक बोरबरी का नियम हमने सीखा है और एक किसका नियम है बच्चों, एक नियम है अपवाहु का। तो आज हम इस दोनों नियमों पर बात करेंगे। और जैसे इस दोनों नियमों पर बात करेंगे तो आज हम ये सीख लेंगे कि धातु और अधातु की पहचान कैसे होती है। ध्यान से देखिएगा, हम लोग सबसे पहली बार बात करेंगे बोरबरी के नियम के। बच्चों जो बोर और बरी थे, ये दोनों क्या थे बच्चों, साइंटिस्ट थे। बोर और बरी ये दोनों क्या थे, वैज्ञानिक थे, ये दोनों साइंटिस्ट थे। इन्होंने अपने ही नाम पे अपने नियम को दिया था। इन्होंने अपने ही नाम पे क्या किया था, अपने नियम को दिया था, ठीक है। बोर और बरी दोनों ये क्या थे, पति और पत्नी थे। ध्यान से सुनिएगा, बोर और बरी का नियम क्या होता है। तो सबसे पहली बार इस नियम के बारे में बात करते हैं। तो बोर और बरी जो दोनों थे, ये दोनों क्या थे, साइंटिस्ट थे। और सबसे मजे की बात ये है कि दोनों क्या थे, ये पति और पत्नी थे। बोर जो थे वो पति थे, बड़ी जो थी वो क्या थी, पत्नी थी। इन्होंने दोनों मिलके क्या दिए, नियम दिए। इनका नियम क्या था, के एल एम एन ओ पी क्यू। बच्चों इन्हें एक नाम से जानते हैं जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों, इन्हें क्या कहते हैं, कोस कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, कोस। अर्थात बोरबरी ने एक नियम दिया, दोनों ने मिलकर एक नियम दिया जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों, बोरबरी का नियम कहते हैं। इनका नियम क्या था, तो इनका नियम था के एल एम एन ओ पी क्यू। इन्हें क्या कहते हैं बच्चों, कोस कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, कोस कहते हैं। और प्रत्येक कोषों के अंतर्गत, इस प्रत्येक कोषों के अंतर्गत क्या पाई जाती है बच्चों, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पाई जाती है। जो ये आपके प्रत्येक कोष होते हैं, इन प्रत्येक कोषों के अंतर्गत क्या पाई जाती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पाई जाती है। के कोष में आपके 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एल में 8 होते हैं, एम में 18 होता है, एन में 32 होता है, ओ में 32 होता है, पी में 18 होता है, और की में क्या होता है, 8 होता है। ये क्या है बच्चों, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। इसे क्या कहें बच्चों, इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है, संख्या होती है। यानी कि प्रत्येक कोषों के अंतर्गत जो आपके कोष होते हैं, इन प्रत्येक कोषों के अंतर्गत क्या पाई जाती है बच्चों, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पाई जाती है। अगर क्वेश्चन पूछता है कि बोरबरी ने अपने ही नाम पे अपने नियम को क्यों दिया था, तो बताएंगे कि इन्होंने अपने ही नाम पे अपने नियम को इसलिए दिया था कि अगर जीवन में कोई भी चीज़ अमर होता है तो वो होता है नाम। अगर हम जो नाम होता है, ये जब इन्होंने ये थिंकिंग की, इन्होंने ये सोचा कि अगर हम भाई इधर इस दुनिया में नहीं रहते हैं, डेट कर जाते हैं या डेट कर भी गए हैं तो मेरे नाम को लोग कैसे याद रखेंगे, मेरे नाम कैसे लोग जानेंगे। तो उन्होंने क्या किया कि अपने ही नाम पे अपने नियम को दे दिया, जिसे आज हम बोरबरी के नियम से जानते हैं। बोरबरी नामक वैज्ञानिक ने जब नियम को दिया था तो उनका नियम क्या था बच्चों, के एल एम एन ओ पी क्यू। इन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों, कोष कहते हैं। और प्रत्येक कोषों के अंतर्गत जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो क्या होती है बच्चों, अस्थाई होती है। के में आपके कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 होंगे। एल में कितना होगा, 8 होगा। एम में कितना होगा, 18 होगा। एन में कितना होगा, 32 होगा। ओ में कितना होगा, 32 होगा। पी में कितना होगा, 18 होगा। और क्यू में कितना होगा, 8 होगा। इन्हें क्या कहते हैं बच्चों, कोष कहते हैं। और कोष की खोज केवल किसने किया था, नील्स बोर ने किया था। कोष की खोज किसने किया था, नील्स बोर ने। कोष की खोज किसने किया था बच्चों, तो कोष की खोज नील्स बोर नामक वैज्ञानिक ने किया था, ठीक है। तो कोष की खोज किसने किया था, नील्स बोर नामक वैज्ञानिक ने किसकी खोज की थी, कोष की खोज की थी, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, जब हम किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, जब हम किसी भी तत्व का क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, तो आपका जो के कोष होगा,
इसके कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? दो इलेक्ट्रॉन होंगे। दो से कम होगा पर ज़्यादा नहीं होगा। जब किसी भी तत्व का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने जाएंगे तो जो आपका के कोष होगा, के कोष में कितना होगा? दो इलेक्ट्रॉन होगा। दो से कम होगा पर ज़्यादा नहीं होगा। जैसे ही आपका के भरेगा, के के बाद क्या आएगा बच्चों? एल आएगा। एल में कितना होगा? आठ होगा। आठ से कम होगा पर ज़्यादा नहीं होगा। जैसे ही एल भरेगा एम आएगा। एम में कितना होगा? 18 होगा। 18 से कम होगा पर ज़्यादा नहीं होगा। एम भरेगा तो एम के बाद क्या आएगा? एन आएगा। एन में कितने होंगे? 32 होंगे। 32 से कम होंगे पर ज़्यादा नहीं होंगे। अब एन के बाद क्या आएगा? ओ आएगा। जब ओ में आएगा तो ओ में भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 32 होती है। इससे कम होगी पर ज़्यादा नहीं होगी। पी में कितना होगा? 18 होगा। 18 से कम होगा पर ज़्यादा नहीं होगा। और क्यू में कितना होगा? 8 होगा। 8 से कम होगा पर ज़्यादा नहीं होगा। समझ में आया बच्चों? अब ध्यान से सुनिएगा। इस पर हम क्या करते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके देखते हैं। लेकिन इसके पहले हमने आपको बताया है कि इस नियम से क्या होता है, तो इस नियम से तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। जो आपके तत्व होते हैं, जो आपके एलिमेंट होते हैं, उन एलिमेंटों का क्या किया जाता है बच्चों? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाता है। क्या किया जाता है? इस नियम के आधार पर हम क्या करते हैं, तो इस नियम के आधार पर हम जो आपके एलिमेंट होते हैं, जो आपके तत्व होते हैं, उन तत्वों का क्या किया जाता है बच्चों? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाता है। समझ में आ रहा है? अब ध्यान से सुनिएगा। आपको मैंने बताया था कि जो आपके मेटल होते हैं, जो आपके क्या होते हैं? मेटल होते हैं, यानी कि जो आपके क्या होते हैं? धातु होते हैं। तो मैंने बताया था कि जिस एलिमेंट के लास्ट में अगर 1, 2 और क्या आ जाए? 3 आ जाए। जिस एलिमेंट के लास्ट कोष में 1, 2, 3 आते हैं वो आपके क्या होते हैं बच्चों? मेटल होते हैं। उनकी पहचान यही होती है कि क्या होगा? मेटल होगा। कैसे आएगा? मैंने बताया था इसके लिए एक बेसिक वीडियो बनाएंगे और वो वीडियो आपके सामने मैं क्या कर रहा हूँ, दे रहा हूँ। अगर आपको जो भी प्रॉब्लम होती है आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेजें कि सर मुझे ये टॉपिक समझ में नहीं आई है। अब देखिएगा, आपका दूसरा धातु के बारे में, अधातु के बारे में बताया था। अधातु के बारे में मैंने क्या बताया था? अधातु के बारे में मैंने बताया था कि जिस तत्व के वाह कोष में 5, 6 और कितना आ जाए? 7 हो जाए, वो क्या होंगे बच्चों? अधातु होंगे। अब देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए कि मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, एग्जांपल करके दिखा रहा हूँ। जैसे सोडियम है 11 होता है, मैग्नीशियम है 12 होता है एटॉमिक नंबर। उसके अलावा एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम का कितना होता है? 13 होता है। समझ में आ रहा है? बहुत सारे ऐसे एग्जांपल है जिसको हम लोग करके सीखेंगे। पोटेशियम है कितना होता है बच्चों? 19 होता है। कैल्शियम है कितना होता है? 20 होता है। तो हमने ये सीखना है कि ऑलरेडी मेटल है कि नॉन मेटल है। कैसे किया जाए ध्यान सुनिएगा। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है? 11 है। जब सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है तो आपका के में कितना होगा? 2। नियम के आधार पर के भर गया। अब ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा है तो किस में जाएगा? अगले कोष में। अगला कोष क्या है आपका? एल। एल में कितना होगा? 8। एल में कितना हो गया? 8। अब एल भी भर गया, एम में कितना होगा? तो एम में आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचा? आपके पास 11 इलेक्ट्रॉन थे, 11 इलेक्ट्रॉन थे, तो आपने के में 2 डाल दिया, बचा कितना? 9 बचा। एल में आपने 8 डाल दिया, ये भी भर गए तो बचा कितना? 1 बचा। तो एम में कितना होगा? 1। अब इसके लास्ट सेल को देखा जाता है, सबसे लास्ट कोष को देखा जाता है, तो इसके लास्ट कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर इसके लास्ट कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है इसका मतलब ये क्या होगा बच्चों? मेटल होगा। इसका मतलब क्या होगा? मेटल होगा। समझ में आया? तो मेटल की पहचान कैसे होती है? अब देखिएगा, जैसे मैग्नीशियम है, इस मैग्नीशियम का कितना होता है? 12 होता है। के में कितना होगा? 2। एल में कितना होगा? 8। और एम में कितना होता है? 2। इसके वाह कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है बाबू? 2। इसका मतलब ये क्या होगा? मेटल होगा। मैंने बोला है कि जिस तत्व के वाह कोष में 1, 2, 3 आ जाए वो क्या होते हैं? मेटल होते हैं। करने का नियम क्या है कि जब के कोष भरेगा तभी एल आएगा। देखिएगा, आपके पास 12 इलेक्ट्रॉन है, के में 2 दे दिया, भर गया, तो आपका अगला आएगा। अगला में कितना दिया? 8। अभी मेरे पास इलेक्ट्रॉन कितना बचा? 2। 12 है, इसमें 2 दिया, 10 बचा, इसमें 8 दिया, कितना बचा? 2 बचा। तो एम में कितना आएगा? 2। इसलिए ये भी क्या होगा? तो मैंने बोला कि जिस एलिमेंट के, जिस तत्व के वाह कोष में 1, 2, 3 आते हैं वो आपका क्या होगा बच्चों? मेटल होगा। वो क्या होगा? मेटल होगा। इसलिए क्या है बच्चों? मेटल है। अब देखिएगा, एल्युमिनियम का कितना होता है? 13। के में कितना होगा? 2।
एल में कितना होगा 8 और एम में कितना होगा 3, होगा कि नहीं होगा। मतलब ये भरा और उसके बाद इसके लास्ट में ये आया, इसके लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आया 3 इलेक्ट्रॉन आया, तो इसका मतलब कि ये भी क्या होगा बच्चों, मेटल होगा। आई होप बात समझ में आ रही है। तो ये भी क्या होंगे, मेटल होंगे, तो इसका मतलब ये क्या होगा, धातु होगा। तो अब समझ में आ रहा है कि धातु की पहचान कैसे होती है। अब ध्यान से देखा, पोटेशियम का कितना होता है 19 होता है, तो इसका करेंगे के में कितना होगा 2, एल में कितना होगा 8 और एम में कितना होगा, आप कहेंगे सर जी 9 होना चाहिए, क्योंकि इसमें कितना होता है 18 होता है, कितना होता है 18 होता है। लेकिन अगर ये 18 होता है तो यहाँ पे मैंने 9 किया, आप कहेंगे सर ये ना तो मेटल दिखाई दे रहा है ना तो नॉन मेटल, ना तो 1, 2, 3 आ रहा है ना तो 5, 6, 7 आ रहा है। तो यहाँ पे एम में कितना होता है 8 होता है और एन में कितना होता है 1 होता है। समझ में आ रहा है, इसमें कितना होता है 1 होता है, इसका मतलब ये भी क्या होगा बच्चों, मेटल होगा, ये भी क्या होगा, मेटल होगा। समझ में आया। अब आपका क्या है बच्चों, कैल्शियम है। अब कैसे 1 आ रहा है मैं इसको बताऊंगा अभी। कैल्शियम करेंगे के में कितना होगा 2, एल में कितना होगा 8 और एम में कितना होगा 8 और एन में कितना होगा 2, ये भी क्या होगा बच्चों, मेटल होगा, ये भी क्या होगा, मेटल होगा। मैंने ये बोला ना कि जिस तत्व के वाई कोश में 1, 2, 3 आए वो क्या होते हैं, मेटल होते हैं। आई होप बात समझ में आया, क्लियर हुआ, चलेगा। यहाँ तक समझ में आया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए दोस्तों, हमने ये बताया था कि जो मेटल की पहचान होती है, जो धातु की पहचान होती है, तो आपने धातु की पहचान देखा कि जिस तत्व के वाई कोश में 1, 2, 3 आ जा रहे हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। फिर थोड़ा सा आपका क्वेश्चन मन में डाउट ये होगा कि सर आपने यही बताया कि जब के कोश भरेगा तभी एल आएगा, जब एल भरेगा तो एम आएगा, एन भरेगा तो एन आएगा, एन भरेगा तो ओ आएगा। लेकिन यहाँ पे आपका एम कोश भर नहीं रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी क्या हो रहा है कि आपने एन में 1 डाला है और एन में कितना डाला है 2, मतलब 2 कर दिया है। तो ये कैसे हो रहा है इसका हम लोग ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली बार आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि जो आपके एलिमेंट होते हैं ना, जो आपके तत्व होते हैं, जो तत्वों की संख्या होती है ना, टोटली तत्व आज तक लगभग अब तक वर्तमान में जो तत्व हैं कितने, 118 तत्व हैं। कितने तत्व हैं, 118 तत्वों की क्या हो चुकी है, खोज हो चुकी है। और सबसे पहली बार, सबसे अच्छी बात यह है कि जब सबसे पहली बार तत्वों की क्या हो रही थी, खोज हो रही थी, मतलब तत्वों को एक उनके गुणों के आधार पर उनको रखा जा रहा था, तो सन सबसे पहली बार ये सन 1800 ईस्वी तक बात हुई थी, सन 1800 ईस्वी तक ये बात को मतलब बताया गया था, या बताया नहीं गया था, स्टार्ट हुआ था, सॉरी, मतलब सन 1800 ईस्वी में जो आपके एलिमेंट होते हैं, जो तत्व होते हैं, पूरे तत्वों के बारे में बताने की क्या की गई, जितने तत्वों की खोज हुई थी, कोशिश हुई थी। लेकिन जिस समय ये तत्वों पर चर्चा चली, यानी कि तत्वों पर बताने की बात चली, उस समय केवल कितने एलिमेंट थे, 30 एलिमेंट थे, केवल कितने एलिमेंट थे, 30 एलिमेंट थे, ठीक है। लेकिन इसके बाद आज के वर्तमान के समय में तो टोटल तत्वों की संख्या कितनी है बच्चों, 118 है। तो उन 118 तत्वों में लगभग 80% यानी कि 80% जो होते हैं वो आपके मेटल होते हैं, वो आपके क्या होते हैं बच्चों, मेटल होते हैं। मतलब मेटल का मतलब होते हैं कि वो कैसे होते हैं, अधातु होते हैं। कैसे होते हैं, अधातु होते हैं, बात समझ में आई। तो इतने परसेंट आपके क्या होते हैं बच्चों, मेटल होते हैं। तो हमने मेटल की पहचान करने की बात बताई कि मेटल की पहचान कैसे होती है। तो हमने मेटल की पहचान करने का तरीका यही बताया कि जिस तत्व के वाई कोश में 1, 2, 3 आ जाए वो आपके क्या होंगे, मेटल होंगे। अब देखिएगा, इसके वाई कोश में कितना है 1, इसके वाई कोश में कितना है 2, इसके वाई कोश में 3, ये मेटल है। लेकिन आपने यहाँ पे क्वेश्चन ये फंसा कि सर आपने कहा कि जब तक एक कोश भरेगा नहीं तब तक दूसरा कोश आएगा नहीं, लेकिन यहाँ पे हमने इसको भरा नहीं तभी भी एन आ गया। एन कैसे आया, ध्यान से सुनिएगा। तो जो आपके एलिमेंट होते हैं ना, जो आपके तत्व होते हैं, वो 118 होते हैं, और किसी भी तत्व को अपने अष्टक को पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए या कितने चाहिए, 8 चाहिए। कितने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए या कितने चाहिए, 8 चाहिए। और मात्र 2 ऐसे तत्व होते हैं, मात्र कितने ऐसे तत्व होते हैं, 2 ऐसे तत्व होते हैं जिनको 2 चाहिए, हाइड्रोजन और हीलियम। इनको छोड़कर जितने भी एलिमेंट होते हैं, इनको छोड़कर जितने भी एलिमेंट होते हैं सबको कितने चाहिए, 8 चाहिए। तो ये यहाँ पे 8, 8, 2, 1 कैसे आ रहे हैं इस पर चर्चा करते हैं। तो इसके लिए एक और नियम पढ़ते हैं जिसे हम क्या कहेंगे बच्चों, वो आपका नियम होगा अपबाहु का नियम। तो ठीक है, मैंने पहले बोला कि अगर स्क्रीन शॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीन शॉट ले लीजिए। इसके बाद हम टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और एक और नियम से पढ़ते हैं, और उस एक और नियम से पढ़ने के बाद इसको सिद्ध करते हैं कि यहाँ पे 8 और 1 कैसे आ रहा है। ओके गाइस, चलेगा।
अब देखिएगा, कुछ हम एग्जाम्पल लेते हैं अधातु के, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों अधातु के। उस एग्जाम्पल को किसको देखेंगे? अधातु के। तो मैंने अधातु में लिखा जिसके वाहक कोष में 5-6 और कितना आ जाए 7 हो जाए, वो क्या होंगे? अधातु होंगे, नॉन मेटल होंगे। जैसे ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, उसके बाद क्लोरीन का कितना होता है 17 होता है, समझ में आ रहा? फास्फोरस का कितना होता है 15 होता है, सल्फर का कितना होता है 16 होता है। कैसा होगा ध्यान से सुनिएगा, के में कितना होगा 2, एल में कितना होगा 8, 6 होगा कि नहीं होगा? तो अब देखिएगा, इसका मतलब कि 6 होगा, तो 6 होगा तो ये 6 आया तो नॉन मेटल तो होगा, अधातु होगा, ये आपका क्या होगा? नॉन मेटल होगा। क्या होगा बच्चों? ये आपका नॉन मेटल होगा, ठीक है। अब एक कॉमन चीज याद रखिएगा कि मैंने बोला कि किसी भी तत्व को अपने अष्टक को पूरा करने के लिए, अभी मैं बताया था कि 2 चाहिए, कितना चाहिए 8 चाहिए, 2 चाहिए कितना चाहिए 8 चाहिए, 2 या कितना चाहिए 8। तो ये देखिएगा, ये जो एलिमेंट है इसके वाहक कोष में कितना है 6, अर्थात इसको किसी से इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत है। और अधातु वाले जो एलिमेंट होते हैं, मतलब जो तत्व तो अधातु होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। आपने पढ़ा है इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। और जैसे ग्रहण करेंगे तो क्या आएगा? रीड आए। तो इसका मतलब इसको -2 की क्या होगी? कमी होगी, क्योंकि इसको अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन क्या करने चाहिए? चाहिए। आई होप बात समझ में आ रही है। अब देखिएगा, क्लोरीन का कितना होता है 17 होता है, तो के में कितना होगा 2 होगा, एल में कितना होगा 8 होगा, और एम में कितना होगा बच्चों 7। अब देखिएगा, ये भी इसके वाहक कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है 7, इसका मतलब ये भी क्या होगा बच्चों? नॉन मेटल होगा। क्या होगा? नॉन मेटल होगा। ये भी क्या होगा? नॉन मेटल होगा। इसका मतलब कि इसके वाहक कोष में कितनी कमी हो रही है? 1 की, मतलब -1 की क्या होगी? कमी होगी। समझ में आ रहा है? अब देखिएगा, फास्फोरस का कितना होता है 15 होता है, के में कितना होगा 2, एल में कितना होगा 8, और एम में कितना होगा 5। इसके वाहक कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है 5 है, तो इसका मतलब इसको भी कितनी कमी हो रही है 3 की, क्योंकि 8 चाहिए तो 5 है, तो 3 की कमी। अब कमी होगी तो माइनस में इलेक्ट्रॉन लेगा भी, तभी भी माइनस में। और क्या बनाते हैं? रिडाइन, और धातु रिडाइन बनाते ही हैं, तो इसके वाहक कोष में कितना है 3, -3 इलेक्ट्रॉन की क्या होगी? कमी। यह भी क्या होगा बच्चों? नॉन मेटल, ठीक है। अब सल्फर का कितना होता है 16, के में कितना होगा 2, एल में कितना होगा 8, एम में कितना होगा 7, इसके वाहक कोष में कितने इलेक्ट्रॉन 7 इलेक्ट्रॉन, कितने की कमी 1 की कमी, नहीं सॉरी कितना होगा 6 होगा, 6 होगा, तो कितने कमी 2 की, -2 की कमी। यह भी क्या होगा बच्चों? नॉन मेटल होगा। समझ में आ रहा है? क्लियर हुआ? अब हम लोग देखते हैं जो आगे के टॉपिक, आगे के नियम पे जो 8 और 1 और 2 आ रहे थे उसके बारे में बात करते हैं। अगर इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलेगा। आइए बात करते हैं। अब देखिएगा, अब बाहु का नियम बच्चों, ये जो नियम होता है, यह नियम उपकोषों के आधार पर दिया जाता है। किसके आधार पर दिया जाता है? उपकोषों के आधार पर। उपकोष की खोज किसने किया था? सोमरफिल्ड ने। किसने किया था? सोमरफिल्ड ने। अब बाहु का नियम किसके ऊपर आया? उपकोष के आधार पे आया। उपकोष कितने होते हैं? 4 होते हैं, एस पी डी और एफ, ये आपके क्या होते हैं बाबू? उपकोष होते हैं। और उपकोष की खोज किसने किया था? सोमरफिल्ड ने किया था, ठीक है। और उपकोष होते कितने हैं? 4, एस पी डी और क्या बच्चों? एफ। एस में भी 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पी में 6 इलेक्ट्रॉन, डी में 10 इलेक्ट्रॉन, और एफ में क्या बच्चों? 14 इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रहा है? अब इनसे एक, इन चारों उपकोषों से, ये जो 4 आपके उपकोष होते हैं, इन 4 उपकोष से एक क्या बनता है? आपका नियम बनता है। इन चारों उपकोष से आपका एक क्या बनता है बच्चों? नियम बनता है। और वो नियम क्या होता है ध्यान से सुनिएगा, वो आपका नियम होता है 1s, 2s, 3s, 2p, 4s, 3p, 5s, 3d, 6s, 5p, 4d, 7s, 6p, 5d और 4f। यहाँ पे आता है ये 8s, ये अज्ञात है बाबू, ये नियम को सजाने के लिए, नियम को बताने के लिए केवल दिया गया। 8s, उसके बाद 7p, उसके बाद 6d और 5f। इलेक्ट्रॉन यहाँ से चलना शुरू करेंगे,
यहाँ के बाद 2s में 2s के बाद में 2p, 2p के बाद में 3s, 3s के बाद में 3p, 3p के बाद 4s, 4s के बाद 3d, 3d के बाद 4p, 4p के बाद 5s, 5s के बाद 4d, 4d के बाद 5p, 5p के बाद 6s, 6s के बाद कहाँ चले जाएंगे, 4f, 4f के बाद कस में जाएंगे 4d, उसके बाद 6p, उसके बाद 7s, और 7s के बाद आपके कहाँ जा रहे हैं 5f, 6d और 7p, उसके बाद 8s में। देखिएगा इलेक्ट्रॉन चलना कहाँ से प्रारंभ करेंगे, मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसके नियम पे कैसे आधार करेंगे तत्वों का, तो सबसे पहली बार 1s, 1s के बाद 2s, 2s के बाद 2p, 2p के बाद 3s, 3s के बाद 3p, 3p के बाद 4s, 4s के बाद 3d, 3d के बाद 4p, 4p के बाद 5s, 5s के बाद 4d, उसके बाद 5p, 6s, 6s के बाद कहाँ आएगा 4f, उसके बाद 5d, उसके बाद 6p, उसके बाद 7s, 7s के बाद कहाँ आएगा 4f में, उसके बाद 6d में, उसके बाद 7p में। क्लियर हो रहा है? अब ध्यान से हमने इसके पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया था, देखो पोटेशियम का तो क्या था 19 था, के में 2 रखा था, एल में 8 रखा था, एम में 8 रखा था और एन में 1 रखा था। ये कैसे आ रहा है इसको ध्यान सुनेगा, इस नियम से करते हैं। तो जहां जहां नियम में एस आएगा, जहां जहां नियम में क्या आएगा एस आएगा, वहां पे कितना मानेंगे 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जहां जहां पी आएगा तो पी में कितना मानेंगे 6 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी कम होगा पर ज्यादा नहीं होगा। और जैसे एस भरेगा तो पी, पी भरेगा डी, मतलब इस नियम के आधार पर आएगा। और उसके बाद पी के बाद एस पी, पी के बाद क्या आएगा बच्चों डी, और जहां जहां डी आएगा कितने इलेक्ट्रॉन रखेंगे 10, और जहां जहां एफ आएगा कितने इलेक्ट्रॉन रखेंगे बच्चों 14, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है? अब ध्यान सुनिएगा इसके नियम से करेंगे 1s, 1s मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, 1s के बाद देखो बच्चों क्या है 2s, 2s में कितने इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, 2s के बाद क्या है बाबू 2p, 2p में कितने इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन, 2p के बाद क्या है बाबू 3s, 3s में कितने इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, 3s के बाद क्या है बाबू 3p, 3p में कितने इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन। देखो इसमें मूनोइस करना है 2 4 10 12 18 कितना बचा 3p के बाद क्या आ रहा है 4s, और s में होता है 2 लेकिन इलेक्ट्रॉन कितना बचा है 1, तो इसलिए इसमें कितना रखेंगे 1 रखेंगे। समझ में आया इसमें कितना रखेंगे बच्चों 1 रखेंगे। अब काउंटिंग कीजिएगा, ये आपका k मतलब पहला, तो पहला k होता है 2, दूसरा वाला ये है, और दूसरा क्या होता है l में कितना है 8, तो 8। तीसरा देखो, तीसरा वाला ए एम, एम में 6 2 8, तो एम में 8, और चौथा आपका कोस क्या होता है एन होता है, और इसमें देखो कितना है एन में 1, तो आपका 1। समझ में आया कि कैसे हुआ 1, 1 करने का रीजन क्या हुआ? क्लियर हुआ यहाँ तक? किसी को प्रॉब्लम है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर हुआ? अब देखिएगा हम लोग करते हैं बच्चों कैल्शियम का, कैल्शियम का कितना होता है आपका 20 होता है, 20 होता है, कितना होता है बच्चों 20 होता है 20 होता है। तो जब हम इसका करेंगे तो आपका कितना होगा देखिएगा 1s 2, 2s 2, 2p 6, 3s 2, 3p 6, और उसके बाद 4s 1। इस नियम के आधार पे जाएंगे 1s 2s 2। अब देखिएगा नहीं यहाँ पे कितना होगा 19 18 18 2 20। अब देखिएगा पहला वाला ये k में 2 तो k में 2, दूसरा वाला ये वाला, ये वाला तो कितना है 8, तो m में कितना होगा 8, तीसरा वाला ये कितना है 6 2 8, तो m में कितना होगा l में कितना होगा 8 यहाँ पे, और m में भी कितना होगा 8, और चौथा वाला ये तो कितना होगा n में कितना है 2, तो इसमें भी 2, तो 2 1 कहाँ से आ रहे हैं, क्यों 8 करके लाया है, अष्टक को पूरा करने के लिए बाबू, अष्टक को क्या करने के लिए, पूरा करने के लिए। समझ में आ रहा है? तो क्लियर हुआ? तो यहाँ अगर आपको ये टॉपिक समझ में आई, ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें बच्चों, आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें इस वीडियो को, अभी कभी क्या करें लाइक करें, और जो चीज़ नहीं समझ में आती है कमेंट बॉक्स में क्या कर दें लिख के आप भेज सकते हैं, ठीक है। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें, ओके, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच शेयर करें। क्लियर है? ये आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा तो ओके, और जो चीज़ नहीं समझ में आती है कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं। ओके, थैंक यू।